तो टॉपिक है स्प्रिंग। देखो एक स्प्रिंग है, तो इमेजिन करो आपके पास ये एक स्प्रिंग है जो यहाँ से बंधा हुआ है कुछ ऐसे। ये एक स्प्रिंग है, बनाते जाएं प्लीज साथ साथ। तो आपके पास ये एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ का मतलब होता है ना ये दबा हुआ है, ना ये एक्सपेंडेड है, ना ये कंप्रेस्ड है, ना ये एक्सपेंडेड है, बस ऐसा ही है, राइट? ये इसकी नेचुरल लेंथ है। मैंने क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग को एक्सपैंड कर दिया कुछ ऐसे, ये लो। तो मैंने इस स्प्रिंग को एक्सपैंड कर दिया, जिसके लिए मैंने क्या अप्लाई की, फोर्स। तो आप ये ड्रॉ करें, तो आपने फोर्स अप्लाई की और ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, इतना आपने इसे डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है या ये जो एक्सपेंशन है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स इज दी वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया और एक्स वैल्यू से एक्सपैंड हो गया। ठीक है, तो एक्स इज एक्सपेंशन द स्प्रिंग। अब एक्सपैंड क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या लगाई, फोर्स लगाई। अब देखो आप अगर इस फोर्स को लगाना बंद कर दें, छोड़ दो, मैं कहूंगा स्प्रिंग को छोड़ दो, अब स्प्रिंग कहां जाएगा, वापस नेचुरल लेंथ पे आएगा। इसका मतलब मानना पड़ेगा स्प्रिंग में एक उल्टी डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हुई हुई है, जैसे जैसे, क्योंकि इलास्टिक की नेचर है ना, आप इसे राइट खींचेंगे स्प्रिंग की फोर्स लेफ्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो चुकी है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये लो, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस फोर्स का नाम है एफ एस। एफ एस का मतलब है स्प्रिंग की फोर्स, एफ ऑफ एस का मतलब है स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो ये स्प्रिंग की फोर्स है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये देखो अगर आप अपनी फोर्स को बहुत ज्यादा लगाएं और छोड़ दें, स्प्रिंग की फोर्स भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। आप कम एक्सपेंड करें तो कम फोर्स से, देखो आपके हाथ पे आके स्प्रिंग लग भी सकता है या वापस भी आएगा, बहुत तेजी से वापस आएगा, जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी तेजी से वो वापस आएगा। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है, क्या, कि जो स्प्रिंग की फोर्स है वो डिपेंड करती है आपने कितना स्प्रिंग को क्या किया, एक्सपेंड किया। तो लिखें, स्प्रिंग की फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है यहां तक? तो स्प्रिंग की फोर्स एक्स पे डिपेंडेंट है। तो ये स्प्रिंग की फोर्स जितनी जितनी ज्यादा एक्सपेंशन करते जाओगे, स्प्रिंग की फोर्स भी उतनी ही डेवलप होती जाएगी। लेकिन स्प्रिंग की फोर्स सिर्फ एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। आप कहोगे कि किसी भी स्प्रिंग का अगर एक्स बड़ा करूंगा तो स्प्रिंग की फोर्स बड़ी होगी, ना, ये जरूरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्प्रिंग का क्या मटेरियल है, वो मटेरियल कितना इलास्टिक है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग बड़ा है छोटा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं या उसका एरिया कितना है, उसका मटेरियल क्या है, बहुत फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं एक्स, कांस्टेंट लगाते हैं एक्स के, इसे बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और साइन लगता है माइनस। अब माइनस क्यों लगता है, क्योंकि क्योंकि एक्स कहाँ पर प्रोड्यूस किया आपने, राइट, और फोर्स ऑफ स्प्रिंग कहाँ डेवलप हुई, लेफ्ट। तो आप जहां स्प्रिंग को खींचेंगे, स्प्रिंग की फोर्स हमेशा एक्स के ऑपोजिट है। इवन उल्टा भी ट्रू है, आप स्प्रिंग को दबा दें, खींचे मत, एक्सपैंड ना करें, कंप्रेस कर दे, कंप्रेशन के लिए, अब कंप्रेशन कहां पर होगा, इस तरफ। तो स्प्रिंग जब छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस आएगा, स्प्रिंग की फोर्स कहां होगी, इस तरफ। तो साइन क्या आएगा यहां पर, नेगेटिव, और के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स
कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट एक ही बात है, ठीक है यहां तक। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, या अगर मैं बात करूं के की, कि के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू होगी एफ एस डिवाइडेड बाय कितना, एक्स। तो फोर्स किस में होती है, न्यूटन में, और एक्स किस में होता है, मीटर में। तो न्यूटन पर मीटर के के यूनिट्स हैं, तो इसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर में चलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, हम माइनस का साइन लगाते नहीं है फोर्स में, एफ इज इक्वल टू के एक्स में, ऐसे मैग्नीट्यूड में करते हैं। पर वैसे बता रहा हूँ माइनस साइन शो क्या करता है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? रूल्स हैं स्प्रिंग के, और बहुत सिंपल रूल्स हैं, मैं बता रहा हूँ सिंपल रूल्स हैं, मैं लिखवाता जा रहा हूँ स्प्रिंग कैसे काम करेगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब कोई कहता है सर ये, और ये फोर्स का नाम क्या है, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स लिख लेना, ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है, पता होना चाहिए। कैपिटल एफ का मतलब यहां पर अप्लाइड फोर्स है, जिससे आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। और एफ एस का मतलब स्प्रिंग की फोर्स है, जो जो कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है। ठीक है, स्प्रिंग की फोर्स को, जो स्प्रिंग की फोर्स है एफ एस, तो एफ एस का मतलब स्प्रिंग फोर्स, या फिर कभी कभी इसको नाम दिया जाता है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करने का मतलब वापस ओरिजिनल शेप पर वापस लेके आना। तो स्प्रिंग की फोर्स क्या कर रही है, स्प्रिंग को ओरिजिनली शेप पे वापस लेके आ रही है, इसका दूसरा नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग की फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स एक ही बात है, यहां तक क्लियर है? अब एक स्टूडेंट बोला कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, बाकी सब तो ठीक है, कि ये जो आपने स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया, उस स्प्रिंग के एग्जाम्पल में आपने दो दो फोर्सेज ली हुई हैं, एक अप्लाइड फोर्स है और एक आपकी स्प्रिंग की फोर्स है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है? तो मैंने कहा देख, जो अप्लाइड फोर्स है ना, जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग की फोर्स के इक्वली है। उसने कहा वो कैसे, ये बराबर कैसे हो सकती है, मतलब अगर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं तो 10 न्यूटन स्प्रिंग वापस आएगा? मैंने कहा हाँ वापस आएगा। उसे क्यों? क्योंकि मैं यहां पर जो स्प्रिंग है उसे क्या ले रहा हूं, मासलेस स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मास इस चैप्टर में नहीं लेना, स्प्रिंग मासलेस है। और अगर स्प्रिंग मासलेस है और कोई कहता है कि नहीं सर एफ और एफ एस बराबर नहीं है, तो मैंने कहा देख मैथमेटिकल इक्वेशन देख, आगे की फोर्स क्या है एफ, पीछे की फोर्स क्या है एफ एस, इज इक्वल टू मास इंटू मास, तो है ही नहीं, तो फोर्स और एफ एस तो बराबर ही आएगा। ये चीज हमने पुली में भी की थी, याद करो, पुली के अंदर फोर्स अप्लाइड एफ थी, टेंशन क्या थी टी थी, और जहां पर मास नहीं होता एफ और टी बराबर थे। तो इसके अंदर अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर रहेगी, क्लियर है यहां तक? अनलेस मैं कोई मास लगा के एक्सलरेशन ना प्रोड्यूस कर दूं, हाँ फिर नहीं, फिर क्वेश्चन में बोलेगा कि यहां मास लगा हुआ है और यहां 10 न्यूटन है, ज्यादा फोर्स लगा दी, हाँ एक्सलरेशन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, पर आपको मास लगाना पड़ेगा इसमें। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्योंकि क्योंकि मास इनटू एक्सलरेशन, फिर ब्लॉक का कम से कम मास तो पुट करूंगा ना, अभी तो ब्लॉक का मास ही नहीं है इसमें। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक, एफ और एफ एस आपने बराबर लेना है। तो पहला कॉन्सेप्ट स्प्रिंग का क्लियर है कि कैसे ये स्प्रिंग काम करेगा या क्या क्या फोर्सेज हैं। तो फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग माइनस एफ एक्स है।